तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक की 500 ml की रेट है तकरीबन 200 रुपये। यहाँ वीट लीगल है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम चिराग एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल चैटर। सो जस्ट ही लैंड हुआ अभी एम्स्टर्डम में, एंड सेंट्रल स्टेशन से ही मैंने यहाँ का 3 डे का पास ले लिया है, जो कि अराउंड मुझे 20 यूरो का पड़ा है। तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ मशीन लगी होती है, डायरेक्टली मशीन में जाकर आपको मल्टी डे पास सेलेक्ट करना है। एंड ये जो पास होता है वो जितने भी यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एम्स्टर्डम के अंदर, उसके अंदर सब इंक्लूडेड होता है, तो ओवर आपको बहुत चीपर पड़ेगा। सो दोस्तों, ये जो एम्स्टर्डम की सीरीज है हमारी, ये मल्टी पार्ट सीरीज होने वाली है। सो अभी इस फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे यहाँ पे एम्स्टर्डम सिटी में क्या क्या फेमस है और क्या क्या आप कर सकते हैं 1 डे के अंदर यहाँ पे। सो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे हॉस्टल, जो कि मेरे सामने आप ब्लैक कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें है, और ये हॉस्टल का नाम है दिस हॉस्टल, जो कि एक क्यूब हॉस्टल है जिसमें क्यूब टाइप के रूम होते हैं, बट बंक बेड वाले रूम नहीं होते इसमें, और ये यहाँ के मेन एरिया में है। सो आई एक्सप्लोर करते हैं इसको। सो दोस्तों अभी फाइनली इन्होंने रूम दे दिया हमें एंड हम चेक इन कर रहे हैं लेफ्ट में। तो दोस्तों इस इन हॉस्टल की एक खास बात हो रही है, ये 12 बजे तक आपको फ्री कॉफी और ड्रिंक सब कुछ देते हैं, एंड अबाउट पानी की यहाँ फ्री है पानी, आप कभी भी नीचे आके बोतल लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए कोई रोका टोके नहीं है, वो 24 आवर है। और उसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत होती है 24 आवर इंटर रिसेप्शन है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो आइए रूम देखते हैं अपना कैसा है। सो दोस्तों अगर मैं इस रूम की स्पेस की बात करूँ तो मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ इसमें कितना स्पेस मिलता है। सो अगर मैं इसमें पूरा फैल के लेट के दिखाऊं तो आपको, तो ये देखिए मेरा एक हाथ इस दीवार पे टच हो रहा है यहाँ पे, एंड दूसरा इस दीवार पे ऑलमोस्ट टच हो गया है ये वाला। तो एक जने के अकॉर्डिंग इसमें इतनी स्पेस आ रही, स्पेस वाइज मैंने आपको दिखाया है इसमें कितनी स्पेस है, एंड अबव इसमें और भी फंक्शनैलिटी है इस रूम के अंदर, कि लाइक इसमें मल्टीपल लाइट्स लगा रखी है इन्होंने, जो कि आपके मूड, आप अपने मूड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ इन्होंने ये बटन दे रखे हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो अब देखिए इस रूम की कंटिन्यूस लाइट चेंज होती रहेंगी, जो भी आपको पसंद आ रही लाइट अपने आप मूड के अकॉर्डिंग यहाँ लगा सकते हैं। एंड उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक टच भी रखा है जिसमें आप चार्जिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन की, एंड ये लाइट दे रखी है इन्होंने एक। सो ओवरऑल मैं बात करूँ इस रूम की तो छोटा तो है, बट हाँ एक बार अगर आपका एक्सपीरियंस करना तो आप एक दिन के लिए कर सकते हैं। जनरली जो क्यूब रूम होते हैं अदर जगह, वो इसके भी आधे होते हैं, इसमें एक ही पर्सन आ सकते हैं, बट स्टिल जिस एरिया के अंदर ये है वो यहाँ का, ये मान लीजिए फेमस एरिया सबसे ज़्यादा, रेस्टोरेंट पब बार एक्सेट्रा इसी लेन में मिलेंगे बहुत सारे। इवन हॉस्टल का भी रेस्टोरेंट है जहाँ पर बड़ा सही माहौल रहते हैं, और जो स्टे करते हैं यहाँ के उनके लिए ड्रिंक्स फ्री है वहाँ पर, तो आप वहाँ जाके ड्रिंक्स के का भी एंजॉय कर सकते हैं। सो अब मैं आपको हमारे रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। रूम के बाहर से बहुत ही अच्छा व्यू आता है एम्स्टर्डम सिटी का, एंड ये जो वॉशरूम है बहुत ही क्लीन वॉशरूम है, सारी एमिनिटीज़ के साथ हैं जो वॉशरूम में होनी चाहिए जस्ट। एंड जो इधर का वॉशरूम है वो इवन फ्लोर पे बॉयज़ का वॉशरूम है, ऑड फ्लोर पे गर्ल्स का वॉशरूम है, सो सेपरेट वॉशरूम है। उसके अलावा क्लीननेस बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, सो सारी एमिनिटीज़ दे रखी है। सो ओवरऑल देखा जाए तो फैसिलिटीज इस हॉस्टल में है अच्छी है। तो आइए दोस्तों अब एक्सप्लोर करते हैं एम्स्टर्डम को और उसकी सारी फेमस प्लेसेस को। सो दोस्तों अभी मॉर्निंग में अराउंड 11 बज रहे हैं और मेरा बहुत जोर से कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया यहाँ की फेमस फ्राइज की शॉप का। सो पूरे एम्स्टर्डम में मैनी के स्पेस है जो बहुत ही फेमस है अपने फ्राइज़ के लिए, सो मैं यहाँ आया हूँ इनके फ्राइज़ को एंजॉय करने, बट किस्मत थोड़ी सी अच्छी है कि यहाँ मुझे भीड़ नहीं मिली, नॉर्मली यहाँ बहुत भीड़ होती है लोगों की। सो मैंने यहाँ फ्रेंच फ्राई ऑर्डर किए मीडियम साइज के। सो आइए अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ के सुपर मार्केट को देखने, वहाँ पर नॉर्मल चीज़ों की क्या क्या रेट्स होती हैं। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक की 500 ml की रेट है तकरीबन 200 रुपये, पानी की बोतल की रेट है, अगर पानी की बोतल की हम 1.5 लीटर की बात करें तो ये भी तकरीबन रेट है इसकी 200 रुपये।
अगर हम बियर की बात करें तो बियर आपको यहाँ सस्ती मिल जाएगी, अराउंड 100 रुपये की एक कैन। लेस का ये बड़े पैकेट है, इसकी रेट है अराउंड 150 रुपये। तो दोस्तों रेडबुल की बात करें, रेडबुल की रेट है अराउंड 160 रुपये। तो ब्रेड के पैकेट का रेट है अराउंड 100 रुपये के। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं एम्स्टर्डम का फेमस टैम स्क्वायर मार्केट, जो कि टूरिस्ट के अमंग बहुत ही फेमस है और यहाँ उसके आसपास बहुत सारे अट्रैक्शन हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं टैम स्क्वायर को। तो दोस्तों फाइनली हम डैम स्क्वायर आ गए हैं। यहाँ के जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर वो बहुत सही बना रखे हैं, प्लस मैडम तुषार म्यूजियम भी इधर ही है, एंड उसके अलावा आसपास मॉल भी बहुत सारे हैं और बहुत कह सकते हैं 5-स्टार होटल भी इसी के आसपास हैं सारे। उसके अलावा शोरूम भी हैं रोलेक्स के और बहुत सारे। अगर आप लग्जरी चीज़ों खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ ज़रूर आइए, नहीं भी हो तो यहाँ आ सकते हैं, बड़ा सही माहौल है यहाँ का। सामने इस गली में जो मैडम तुषार के साइड में जा रही है, एंड उधर ये पूरा एक मार्केट है। तो अगर आपको शॉपिंग भी करनी है तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी आए हैं यहाँ के कैनाल वाले मार्केट वाले एरिया में, जहाँ पे बहुत सारे कैनाल हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और ये यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। वैसे दोस्तों एम्स्टर्डम फेमस है अपने बाईसाइकिल के लिए, एंड इसे सिटी ऑफ बाइक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा साइकिलें चलाई जाती हैं। नॉर्मली जिस रूट पे मैं चल रहा हूँ उस रूट पे कार नहीं चलती, या तो लोग वॉक करेंगे या फिर साइकिल चला सकते हैं। सो हर जगह आपको यहाँ साइकिल पार्क दिखेंगी, आप कहीं से भी साइकिल ले सकते हैं जो भी आपको रेंट पे दे रहा है, एंड ऑलमोस्ट 500 की कॉस्ट आती है पूरे दिन की साइकिल रेंट लेने की। आप साइकिल से पूरा सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं यहाँ कि वाइन के साथ चीज़ बहुत चलता है खाने में, और यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ की वैरायटी है। तो मैं आपको एक शॉप के सामने खड़ा हूँ जो कि स्पेशली चीज़ के लिए फेमस है, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं कि कितने टाइप यहाँ चीज़ मिलती है। ये देखिए दोस्तों सारे चीज़ हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स के चीज़ है, ग्रीन पेस्टो, नेचुरल ट्रफल, इवन दोस्तों यहाँ लाल मिर्ची, काली मिर्ची, उन सब की भी चीज़ अलग अलग आते हैं। यहाँ वीट लीगल है, तो आप स्ट्रीट पे वीट कोई बेच नहीं सकता, बट आप यहाँ कॉफ़ी शॉप कहते हैं वीट शॉप को, तो आप कॉफ़ी शॉप में जाइए। अगर आप वीट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीट वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्मोक करने में इंटरेस्टेड हो एंड वीट ट्राई करना चाहते हो एम्स्टर्डम आके, सो जनरली आप कोई भी कॉफ़ी शॉप से मत लेना, क्योंकि मैंने अभी यहाँ के एक लोकल से बात की थी, उसने मुझे बताया कि अगर आप यहाँ के ऑथेंटिक वीट लेना चाहते हो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इधर चलाई गई थी, वो आप यहाँ की एक ऑथेंटिक शॉप है बुलडॉग नाम से, वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको खाने के अच्छे ऑप्शन ढूंढने हैं, आप इटालियन या मैक्सिकन या इंडियन कुछ भी खाना चाहते हैं, तो जस्ट आपके रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जहाँ एंड होता है उसके जैसे आप बाहर निकलेंगे तो ये स्ट्रीट आएगी सामने, इधर बहुत सारे आपको खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे और रेट भी बड़े सही है इनके। तो दोस्तों अभी भूख लग रही थी, तो जस्ट कैनाल के पास ही हम एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है रोड साइड ही है, उस पर बैठे हैं और यहाँ हमने वेज ऑर्डर किया है। ये दम मैक्सिकन नाम से है ये चीज़, और यहाँ हमने ऑर्डर किया है वेज टैको, जो कि सर्व होते हैं फ्राइज एंड सैलेड के साथ। देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। सही है,
अपना कह सकते हैं कि नॉर्मल अंदर राइस है और वेजिटेबल मिक्स करके चीज़ डाला हुआ उसके अंदर, तो खाने में तो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी एम्स्टर्डम के फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया में। यहाँ बहुत सारे तरह के पोंचो होते हैं, लाइव पोंचो होते हैं। मेरे सामने ये थिएटर कासरोसो है, यहाँ लाइव पोंचो होता है, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जस्ट अपने व्यूअर को दिखाने के लिए इस लेन में घूम रहा हूँ। सो यहाँ लाइव पोंचो का पर पर्सन 50 यूरो होते हैं और ऑलमोस्ट 1 आवर से ऊपर का ये लाइव पोंचो होता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप आ सकते हैं। सो बाकी ये रेड लाइट एरिया पूरा मेरे देख रहे हो आप सामने, फुल का फुल। हाँ इधर बहुत सारे होटल भी बने हुए हैं, सो अगर आप यहाँ होटल लेना चाहते हैं, और प्लस के नाइट में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है इस एरिया में। सो दोस्तों इस तरह के ये रूम होते हैं, यहाँ पे रात को गर्ल्स खड़ी रहती है। तो अभी अभी तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, रात को मैं आपको दिखा नहीं सकता। सो आइए तो एक्सप्लोर ही करते हैं इस एरिया को जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, है ना। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए।